सब्सक्राइब करिए हाई डेफिनेशन टेक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए। शॉपसी को बनाने के पीछे फ्लिपकार्ट का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि अब ये बहुत सारे ऐसे लोग जो वर्क फ्रॉम होम करके पैसे कमाना चाहते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, वो भी अर्न कर पाए। तो इंडिया में ये इसीलिए ट्रेंडिंग में है क्योंकि ये नया ऐप है, क्योंकि ये फ्लिपकार्ट का ही ऐप है। अब अगर बात करें, अगर आप सेलिंग कर रहे हैं या सेलिंग करने का मन बना रहे हैं, तो आपका भी प्रॉफिट बहुत ज्यादा अब इंक्रीज करेगा। हो ये रहा है दोस्तों कि अगर आप फ्लिपकार्ट सेलर हैं, फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं, तो अभी तक आपने जितनी लिस्टिंग फ्लिपकार्ट पे करके रखी है वो फ्लिपकार्ट ने वेरीफाई करके सबकी सब शॉपिफाई पे ट्रांसफर कर दी है। मींस वो फ्लिपकार्ट पे भी दिखाई जा रही है और शॉपसी पे भी दिखाई जा रही है। तो अगर आप जाके अपना ब्रांड नेम इंसर्ट करके शॉपसी पे चेक करेंगे तो आपकी सारी लिस्टिंग वहां पे दिखाई देंगी, और अगर उसको कोई रीसेलर सेल करा रहा है तो उसका कमीशन भी उसको वहां पे दिखता है। और फर्दर अब आप लिस्टिंग करने अगर जाएंगे फ्लिपकार्ट पे, एड अ न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, तो वहां पे आपको स्लाइडर ऑप्शन दिया जा रहा है। एक स्लाइडर बना हुआ है जिसमें एक तरफ फ्लिपकार्ट लिखा है, दूसरी तरफ शॉपसी लिखा हुआ है। तो अगर फ्लिपकार्ट पे आप मूव करते हैं तो वो लिस्टिंग फ्लिपकार्ट मार्केटप्लेस पे हो जाएगी, और अगर उस स्लाइडर को आप शॉपसी की तरफ मूव कर देते हैं तो वो लिस्टिंग शॉपसी ऐप पे हो जाएगी। बट जितनी आपकी पुरानी लिस्टिंग्स थी वो ऑलरेडी फ्लिपकार्ट ने शॉपसी पे लगा दी है या शॉपसी पे इंपोर्ट कर दी है, तो वो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, वो शॉपसी पे दिखाई दे रही हैं। तो अगर आप फ्लिपकार्ट सेलर हैं तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे शॉपसी का कस्टमर बेस बढ़ेगा, रीसेलर बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपकी सेल फ्लिपकार्ट पे बढ़ती हुई चले जाएगी, क्योंकि एक तो सेल आपको मिल रही है फ्लिपकार्ट से और दूसरी आपको मिल जाएगी शॉपसी से, तो आपका डबल बेनिफिट होने वाला है। और अगर बात करें कौन शिप करेगा, कहां से पिक होगा, ये सारी जिम्मेदारी फ्लिपकार्ट खुद उठा रहा है। तो अगर आप फ्लिपकार्ट सेलर भी हैं तो कोई कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग कार्ट का पिकअप करने आ रहे थे वही शॉपसी का भी पिकअप करने आ रहे हैं, बसरते शॉपसी में थोड़ी ढील दी गई है। अगर आप उनकी लिस्टिंग्स करते हैं तो वहां पे इमेज की अभी कोई गाइडलाइन नहीं है, आप मोबाइल से भी फोटो खींच के लगा सकते हैं। बहुत सारी ढील दी गई है जो आपको फ्लिपकार्ट लर्निंग सेंटर पे मिल जाएगी। वहां पे अभी गाइडलाइन में सेलर्स को बहुत सारी ढील दी गई क्योंकि शॉपसी एक नया ऐप है और फ्लिपकार्ट इसको प्रमोट कर रहा है। तो कुल मिलाकर के सेलर्स, कस्टमर सबका फायदा इसमें होने वाला है। देखते हैं कि फ्लिपकार्ट और क्या इसमें नया करता है, क्योंकि इस समय फ्लिपकार्ट बम्पर डिस्काउंट इस ऐप पे चला रहा है। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा जिससे इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो पाए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि आपको यहां पे इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।